Hello everyone, welcome to my YouTube channel Doha Aroma. Today I will show you tea time snacks chana dal tikki. यहाँ पर मैंने चना दाल लिया है जो एक कप के करीब है. इसको मैंने 8 से 10 घंटे के लिए भिगा कर रख लिया था. यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े अदरक के लिए हैं, 4-5 हरी मिर्ची ली हैं और कुछ करी पत्ता लिया है. अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मुझे सबसे पहले दाल को पीसना है, तो मैं इस जार में सबसे पहले सारी दाल को डाल दूँगी. दाल में पानी का यूज़ ना करें और दाल को बिल्कुल महीन भी नहीं पीसे. और अदरक, मिर्ची और करी पत्ता भी डाल दूँगी और इसको दरदरा पीस लूँगी. ये देखिए मैंने थोड़ा दरदरा पीसा हुआ है. अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है. अब मैं इसमें से आधी प्याज दाल में डालूँगी. और इसको थोड़ा सा और पीस लूँगी. अब आप देख सकते हैं कि दाल पिस चुकी है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके. दाल मैंने पीस लिया है जो कि बिल्कुल महीन नहीं पीसी हुई है. अब मैं सबसे पहले इसमें जो थोड़ी सी कटी हुई प्याज बची थी उसको डाल दूँगी. थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और 1 से 1.5 चम्मच बेसन डालूंगी. बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालें, मैं सिर्फ इसको बाइंड करने के लिए डाल रही हूँ. अगर आपको थोड़ा तीखा और खाना है तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. सबको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से. अब मैं थोड़ा सा बैटर हाथ में लेकर इसकी टिक्की बनाऊंगी इस तरीके से. आप टिक्की छोटी बड़ी किसी तरीके से भी बना सकते हैं. देखिए दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन गैस पे चढ़ा दिया है. अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी. मैं टिक्की को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं. मैं तेल को हल्का सा ब्रश कर दूँगी इस तरीके से ताकि वो चारों तरफ फैल सके. अब मैं टिक्की को इस तरीके से डालूँगी. मैं टिक्की बनाते जाऊँगी और इस तरीके से तवे पर डालते जाऊँगी. गैस का फ्लेम आपको स्लो ही रखना है वरना टिक्की क्या होगी, ऊपर और नीचे से पक जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पकेगी. देखिए फिर मैंने थोड़ा सा बैटर उठाया, इसको टिक्की बनाया और तवे पर डाल दूंगी. इसी तरीके से मैं सारी टिक्की बना लूँगी. देखिए सारी टिक्की बन चुकी है. मैं इसको 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने दूँगी. हल्का सा इसको साइड हिला लेती हूँ ताकि वो चिपके नहीं नीचे से. अब 2 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए टिक्की एक तरफ से सिक चुकी है. मैं सारी टिक्कियों को पलट लूँगी इस तरीके से. और दूसरी तरफ भी मैं 2 मिनट के लिए उसको पकने दूँगी धीमी आंच पर.
दो से तीन मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टिक्की दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुकी है, तो मैं इसको फिर से पलट देती हूँ ताकि टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरी हो जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी है, मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको बनाने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे। अब मेरी सारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और मैं इसको चाय के साथ सर्व करूँगी। ये शाम के नाश्ते में बनाने पर बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि दोहा अरोमा के नाम से है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट में कुछ टिप दूंगी, अगर आप चाहे तो दाल को पीसते वक्त उसमें थोड़ा सा नारियल भी ऐड कर सकते हैं, और दाल को बहुत ज़्यादा महीन नहीं रखें, उसको दरदरा ही पीसें।